नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रिपोर्टर लाइव में हमारे तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की। मिर्जापुर में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिलाधिकारी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, देखिए हमारे कमलेश कुमार की रिपोर्ट। सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जो कजरी महोत्सव मिर्जापुर में बड़े बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बताते चले, 3 सितंबर 2023 को GIC परेड ग्राउंड के मैदान में कजरी महोत्सव बनाया जाएगा। जो इस महोत्सव को जो है जितने लोग यहां के लोग हैं, जहां आम जनमानस के सहयोग से मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने ये भी बताया है कि जिस तरह से कजरी महोत्सव पहली बार जो है कि 3 सितंबर को मनाया जाए, इसी तरह से ये एक भव्य देखने लायक रहेगा कि इतने लोग मिर्ज़ापुर के लिए सभी लोग इकट्ठा होंगे और कजरी महोत्सव का आनंद लेंगे। और आपको बताते चले, जो कजरी का महोत्सव जो 3 तारीख को है, वो ऐसा मिर्ज़ापुर जनपद में पहली बार मनाया जाएगा। इसी तरह से हर साल कजरी महोत्सव जो है बनाते रहेंगे लोग धूमधाम से। कमलेश कुमार, मिर्ज़ापुर। और आम चुनाव की तैयारियों में जुटी मोदी सरकार, जनता को घरेलू LPG सिलेंडरों में बड़ी राहत दी है, बता रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। महंगाई से परेशान आज आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने आज लोगों को बड़ी राहत दी है। 200 रुपए की सब्सिडी को राहत दी गई है। आज लोगों के लिए 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है। भाई LPG के सिलेंडर को 200 रुपए की राहत देने के बाद, आपको बता दे ये योजना सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए थे। इसके अलावा किसी अन्य लाभार्थियों की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि LPG के सिलेंडर पर 200 रुपए की बचत दी जाएगी। आपको बता दें, दिल्ली में LPG सिलेंडर का दाम 1103 रुपए था, वहीं आपको बता दें मुंबई में 1102 रुपए। वहीं इसको लेकर अब 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है। पहले से ही आपको बता दें BJP ने पहले ही कहा था कि LPG सिलेंडर पर 200 रुपए की बचत दी जाएगी। इसके तरह पहले से भी उन्होंने ये जानकारी दी थी। वहीं अब इसको बता दें कि LPG सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी 200 रुपए की सब्सिडी पहले ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल रही थी, अब ऊपर से 200 रुपए की और सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा, पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल वर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी का दौरा किया। झांसी दौरे के दौरान उन्होंने 3 स्थलों का निरीक्षण किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिक्षा भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन किया, वहां पे पुस्तकों का अवलोकन किया, वहां उपस्थित बच्चों को मिठाई और चॉकलेट बांटी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये पुस्तकालय जो है, बहुत कम ऐसे पुस्तकालय हैं जो उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। झांसी और आसपास की जनता को यहां आकर पुस्तकों का अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचा, जहां मेजर ध्यानचंद की 25 फुट की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके बाद वहीं पर स्थित मेजर ध्यानचंद संग्रहालय में उन्होंने छोटी छोटी चीजों का अवलोकन किया। यह संग्रहालय मेजर ध्यानचंद के जो जीवन काल रहा है, खेल का समय रहा है, जो सेना का जो समय रहा है, उससे संबंधित उसमें कई चीजों को रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे, जहां पर ओलंपिक में हॉकी के जो खिलाड़ी रहे हैं, अन्य ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं और जो अवार्डी हैं, अवार्ड विनर हैं, उनको सम्मानित भी किया। आज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी विशेष दिन को लेकर मुख्यमंत्री का आज झांसी आगमन हुआ था। उन्होंने मंच से मेजर ध्यानचंद के बारे में कई बातें बताईं। उन्होंने उनके खेल के बारे में बताया, उनका एक वाक्य बताया जब वो जर्मनी खेलने गए थे और वहाँ गोल्ड मेडल जीता था। 1936 की बात है। वहाँ उस समय हिटलर ने उन्हें ऑफर किया था कि वो जर्मन सेना में शामिल हो जाएं, उन्हें कर्नल की उपाधि दी जानी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके लिए देश प्रेम सबसे बड़ा था। उनका कहना था, रानी लक्ष्मीबाई और मेजर ध्यानचंद झांसी वासियों के लिए ऐसी धरोहर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं और जिन्हें बहुत एक अच्छे महापुरुष इस रूप में देखा जाता है। झांसी में आकर आज उन्होंने 100 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, जो लगभग 2000 करोड़ की थी। उनका कहना है, आगे भी वो झांसी आते रहेंगे और जो परियोजनाओं की आवश्यकता होगी उनको क्रियान्वित किया जाएगा। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा।
सहारनपुर में बीएसपी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया गया है। हमारे सहयोगी शरद कुमार की रिपोर्ट देखिए। पार्टी ने आज हाईकमान के निर्देश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के अंदर अपनी पैठ बनाने वाले और कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद को आज बसपा से निष्कासित कर दिया। बसपा में नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले धमाकेदार एंट्री करने वाले और मायावती से सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लेने वाले पहले नेता इमरान मसूद को आज निष्कासन झेलना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासन मात्र इस वजह से किया है कि उनकी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से पार्टी विरोधी रही है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ही आज बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष जिनेश्वर प्रसाद ने प्रेस मीडिया को एक विज्ञप्ति भेजकर इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित करने की बात कही है। बहुजन समाज पार्टी में जब इमरान मसूद ने एंट्री की थी उस समय दलित और मुस्लिमों का गठजोड़ बनाकर रखने और चुनाव जीतने की रणनीति पर विचार किया गया था, लेकिन नगर निकाय चुनाव में इमरान मसूद का दमखम सामने नहीं आया और उनके परिवार के लोग नगर निकाय चुनाव हार गए। इसी वजह से इमरान मसूद भी बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने से कतराते रहे हैं और अब उनके निष्कासन के बाद इमरान मसूद का अगला कदम किस पार्टी के ओर होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक झटके में ही मुस्लिमों के कद्दावर नेता इमरान मसूद के पर कतर दिए हैं। शरद कुमार, शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। नुहिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी। 31 जुलाई को हुई नुहिंसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। आखिर किनके कहने पर उपद्रवियों ने यात्रा निकालने वालों पर पथराव किया, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे, काफी सवाल उठ रहे हैं। अब इसी बीच इस हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें एक नाम जांच एजेंसियों की रडार पर है। ये नाम अगर इसकी बात करें तो एहसान मेवाती नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसने नू हिंसा से पहले काफी वीडियोस बनाए और साथ ही इस भड़काऊ वीडियो में उसने एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास किया। अब जांच एजेंसियां इस नाम की तय तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर एहसान मेवाती का नू हिंसा से क्या कुछ कनेक्शन है। साथ ही आपको बता दें एहसान मेवाती के वीडियो से कहीं ना कहीं नू हिंसा को बल मिला। साथ ही कुछ ही घंटों पहले ये वीडियोस बनाए गए थे, साथ ही नू हिंसा की एक एक वीडियो उसने अपने यूट्यूब पर अपलोड की और नू हिंसा के बाद उसने जश्न भी मनाया। आपको बता दें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि नू हिंसा में कांग्रेसियों का भी कनेक्शन देखने को मिल रहा है, कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है। साथ ही एक नाम को लेकर उन्होंने कहा मामन खान जो कि कांग्रेस से विधायक हैं उनका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, उन्हें 30 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही इसके बाद से तस्वीर निकलकर सामने होगी कि नू हिंसा में मामन खान का क्या कुछ कनेक्शन है, क्योंकि जहां जहां हिंसा हुई थी वहां वहां मामन खान गए थे। अनिल विज ने यहां पर साफ किया कि कांग्रेसियों का भी नू हिंसा से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अब जांच लगातार जारी है, आने वाले टाइम में यह साफ हो जाएगा कि नू हिंसा का असली गुनहगार कौन है। कैमरा पर्सन निकी यादव के साथ अमन त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत दे दी है। हमारी सहयोगी जूही सिंह की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई दे दिया है। जी हाँ, 29 अगस्त को जो है हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्हें जमानत के आदेश दे दिए हैं। दरअसल इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी गिफ्ट्स को कम दामों में खरीदा और फिर उन्हीं गिफ्ट्स को महंगे दामों में बेच दिया। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जजों की बेंच ने कहा था कि फैसला मंगलवार को 11 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले दिन में हाई कोर्ट ने उस अपील की सुनवाई फिर से शुरू की जो उसने 22 अगस्त को कोर्ट में सुनी थी।
वहीं इससे पहले पाकिस्तान निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अहमद परवेश बीमार होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो पाए थे और इसकी वजह से शुक्रवार को भी सुनवाई स्थगित कर दी गई। इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ अपनी बहस बीते गुरुवार को पूरी कर ली थी और कहा था कि यह फैसला बेहद जल्दबाजी में दिया गया है और खामियों से भरा हुआ है। उन्होंने कोर्ट से फैसले को रद्द करने का आग्रह किया था, लेकिन बचाव पक्ष ने अपनी बहस को पूरी करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी। खबर ये भी आ रही है कि निर्वाचन आयोग के वकील अहमद परवेज ने हाई कोर्ट से मामले में सरकार को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि कानून ने इसे आवश्यक बना दिया है। परवेज ने तब जब अपनी दलील समाप्त की तब इमरान खान के वकील खोसा ने कहा कि उन्हें सरकार को नोटिस जारी करने की आयोग की याचिका पर कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस्लामाबाद की निचली अदालत ने 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जो है 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। साल 2018 से 2022 तक उन्हें और उनके परिवार पर जो है सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया था और साथ ही राजनीति में भाग लेने से भी कोर्ट ने उन पर रोक लगा दिया था। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही। मणिपुर विधानसभा के एक दिवसीय सत्र की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद हंगामे के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जारी हिंसा के बीच आज 2 दिवसीय मानसून सत्र बुलाया गया था। वहीं सत्र की शुरुआत होते ही सत्र को हंगामे के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही थी कि मानसून सत्र को 5 दिन की बढ़ाने की मांग कर रही थी, जिसके चलते हंगामे के चलते मानसून सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने कहा कि जातीय संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समुदाय से आने वाले सभी 10 विधायक विधानसभा से अनुपस्थित रहे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे जातीय हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट के मौन के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बड़े दुख के साथ हम हिंसा में मारे गए लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हैं। ऐसे समय में उन लोगों के लिए शब्द अपर्याप्त लगते हैं जिन्होंने संघर्ष में अपने परिजनों को खो दिया। सभी मतभेदों की बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से दूर किया जाना चाहिए। वही विधानसभा में चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की भी सराहना की गई। सदन में मणिपुर में आने वाले मिशन में शामिल वैज्ञानिक एन रघु सिंह को बधाई भी दी गई। इसके फौरन बाद कांग्रेस विधायक अपनी सीट से खड़े हो गए और मजाक बंद करो चलो लोकतंत्र बचाए का नारा लगाने लगे। कांग्रेस ने मांग की कि राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए 5 दिवसीय सत्र आयोजित किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह ने विपक्षी विधायकों से बैठने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने हंगामा जारी रखा। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी। हालांकि 30 मिनट के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही, जिसके चलते अध्यक्ष ने मानसून सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी। गाजियाबाद में छात्राओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से लेटर लिखा है। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता नदीम शाहिन। छेड़छाड़ से तंग आकर छात्राओं ने अपने खून से 4 पेटों का पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। हालांकि पत्र में यह भी लिखा गया है कि बाबा जी हम आपकी बिटिया हैं, हमें न्याय दिला दीजिए। आपको बता दें ये मामला पूरा गाजियाबाद के वीवसिटी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 21 अगस्त को एक प्रकरण सामने आया था कि कुछ छात्राओं ने प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाए थे कि प्रिंसिपल उनके साथ छेड़छाड़ करता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिसके बाद जो छात्राएं थी उन्होंने हिम्मत करके पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता जा रहा था। उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं राजवीर जी, उन्होंने भी इन पर क्रॉस FIR कराई थी कि उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके प्रकरण में देखा जा सकता है कि उसको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन जब क्रॉस FIR हुई थी तो उन्हें छोड़ दिया गया था। फिलहाल गाजियाबाद की जो बेटियां हैं उन्होंने जिस तरीके से इस प्रकरण को पूरी तरीके से दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी गुहार लगाई है, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने के बाद पुलिस ने राजवीर को यानी आज सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर जो धाराएं हैं उनके तहत उसे जेल भेजा जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो 4 पेटों का खून से एक पत्र लिखा गया है, उस पत्र को कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसमें कहा गया है कि बाबा जी हम आपकी बेटियाँ हैं, हमें न्याय दिला दीजिए। जिस तरीके से उन्होंने जो आयोग है उनको भी उन्होंने पत्र भेजा है और इसकी उच्च जो गुहार लगाई है। हालांकि ये पूरा प्रकरण जो है वो 21 अगस्त का बताया जा रहा है। अपने सहयोगी मासिक के साथ मैं नदीम साहिन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद।
और गाजीपुर में प्रेमी के साथ मिलकर माशूका ने कर दी पहले प्रेमी की हत्या। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। पागल युवती ने दूसरे आशिक के साथ मिलकर कर दी पहले आशिक की हत्या। खबर गाजीपुर जिले से। जब सूचना मिलती है थाना नंदगंज को कि नेशनल हाईवे पर एक लाश मिली है, पुलिस वहां पर जाती है, आधार कार्ड बरामद करती है और जब पुलिस पूछताछ करती है, गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह बताते हैं कि पूर्व प्रेमिका जो कि दूसरे आशिक के साथ मिलकर, वह कहती है कि पहले वह प्यार करती थी, 2017 से उनका संबंध था, लेकिन एक साल पहले वह दूसरे आशिक को दिल दे बैठती है, लेकिन पहला प्रेमी उसे परेशान कर रहा था, अतः वह उससे बात करती है और उसको लाने के लिए बनारस जाती है। स्कॉर्पियो में वह सवार होते हैं, साथ में दूसरा प्रेमी भी साथ में होता है। बनारस से आते आते नंदगंज के पास वह गाड़ी रुक जाती है और वह कहती है कि उसे शौच जाना है। जब वह बाहर जाते हैं उसके बाद वह मारने के इरादे से दोनों आए थे और दोनों ने जब उसका पीछा किया तो वो समझ जाता है पहला प्रेमी कि ये मुझे मारने के लिए आते हैं, लेकिन जब वह भागता है उसी समय उसे वो धर दबोचते हैं और रॉड से उसे पीछे से लहूलुहान कर देते हैं, मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ये भी पता करती है कि इससे पहले वह दूसरे जब आशिक से प्यार करती थी तो उसका यह कहना था यह मुझे ब्लैकमेल करता था, परेशान करता था, लेकिन एसपी ने बताया कि ये घटना उससे पहले जब इन्होंने किसी अपने परिचित से पूछा था और उसे नशीला पदार्थ भी खिलाया था, लेकिन नशीला पदार्थ खिलाने के बाद भी वह उसे पीता नहीं है। उसके बाद यह रुकते हैं नंदगंज और वहां पर इस घटना को देते हैं अंजाम। दूसरे आशिक के साथ मिलकर प्रेमिका ने पहले आशिक की कर दी हत्या। एसपी ने बताया इन दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है, हो रही है इन पर बड़ी कार्रवाई। मैं सुशील तिवारी, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, गाजीपुर। और हापुड़ में अधिवक्ताओं ने किया तहसील चौराहा जाम, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। आपको बता दें पूरा मामला बेनीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पे किशोरी घर पे लेटी हुई थी, उसके माता पिता खेत में काम करने गए थे और वहीं किशोरी युवक पड़ोस का युवक घर में घुस गया और किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर और उसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जब उसके माता पिता वापस आए हैं उसके बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची है, किशोरी का मेडिकल भी कराया जा रहा है और युवक की तलाश की जा रही है। देखना ये होगा कि बेनीगंज पुलिस कितनी जल्दी इस युवक को गिरफ्तार कर पाएगी। हरदोई से आनंद मीडिया। रायबरेली में मिठाई की दुकानों पर खाद्य विभाग ने मारा है छापा। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने को लेकर आगामी त्योहार के मद्देनजर रायबरेली जिला प्रशासन ने मिठाई दुकानदारों पर शिकंजा कसा है। बता दें कि लगातार जो त्योहार होते थे, आमतौर त्योहारों पर जो मिठाई दुकानदार है उसका फायदा उठाकर जो सिंथेटिक मिठाइयां होती थी बाजार में उसको बेचते थे, जिसको लेकर रायबरेली जिला प्रशासन इस बार पहले से ही सख्त हो गया है और एक्शन मोड में देखने को मिला है। आपको बता दें रायबरेली के शहर स्थित कई मिठाई दुकानदारों पर रायबरेली सिटी मजिस्ट्रेट व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा छापा मारा गया, जिसमें कई दुकानदारों की खामियां मिली और बड़ी खामियों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया गया है कि कई दुकानदार जो नामचीन दुकान है मिठाई की, उनके यहाँ छापा मारा गया है तो कहीं कहीं बड़ी खामियां मिली। बता दें कि कई ऐसी खामियां मिली हैं जो चौंकाने वाली निकल कर आई। आपको बता दें दूध में चूहिया घूम रही थी और कहीं पे दूध में मक्खियां देखी गई और कहीं पे सड़ी मिठाइयां भी भारी मात्रा में बरामद हुई है। बता दें कि इस तरह से लगातार ऐसे दुकानदार जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे और मोटी रकम कमा कर अपना जेब गर्म करते थे, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो इसी मामले को लेकर एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। बता दें रायबरेली जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने अलग अलग दुकानों पर छापेमारी की है, जिसके तहत रायबरेली जिला प्रशासन को बड़ी खामियां देखने को मिली है और उनके ऊपर अब नमूने भर कर कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि लगातार ऐसे दुकानदार हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और वहीं आपको बता दें शहर के अलावा कस्बों में भी कई ऐसे दुकानदार हैं जो लोगों
कि ऐसे त्योहार आते हैं और त्योहार के मद्देनजर वो सिंथेटिक मिठाइयां बेचते हैं जो जिससे बड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन उनकी न परवाह करते हुए मात्र वो अपनी काली कमाई पर ध्यान देते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में दिखाई पड़ रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस रायपुर। तो वहीं प्रयागराज में चचेरी बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर छात्र की हत्या हो गई है। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। इलाके में एक घटना ने लोगों को विचलित कर दिया। दरअसल एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की दूसरे छात्र से लड़ाई हुई, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद जब स्कूल बंद हुआ तो वापस जाते वक्त उस छात्र पर कुछ लोगों ने हमला किया और उसको गंभीर रूप से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि छेड़खानी करने का विरोध करने पर उस छात्र को पीटा गया। पुलिस अब इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई उससे लोग आक्रोशित हो गए, काफ़ी देर तक सड़क पर जाम किया। प्रयागराज के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया, लोगों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल बन चुका था। हालांकि पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जिन लोगों को तहरीर में आरोपी बनाया गया उनको गिरफ्तार करने की बात कही है, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि छेड़खानी का आरोप जिस तरह से लगा है, उसके बाद उस छात्र की, हालांकि जो जिस पर आरोप लगा है वो भी किशोर उसी स्कूल का पढ़ने वाला है जिसकी हत्या हुई थी। जो छात्र बताया जा रहा है करीब 15 वर्ष के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है। जिस तरह से घटना हुई पूरे इलाके में सनसनी है। चूँकि 2 समुदायों से जुड़ा हुआ ये मामला था इसलिए पुलिस वहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जा चुका है, हालात को सामान करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक सवाल ज़रूर उठता है कि किस तरह से स्कूल के अंदर 2 किशोर बच्चों में जिस तरह से विवाद हुआ और जो घटना सामने आई उससे कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और स्कूल प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस। हापुड़ में अधिवक्ताओं ने किया तहसील चौराहा जाम करके प्रदर्शन। क्या है पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें हापुड़ सिटी कोतवाली में 4 दिन पहले एक पुलिसकर्मी के साथ एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के द्वारा बदसलूकी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिसकर्मी की तहरीर पर महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं इस मामले में महिला अधिवक्ता का आरोप था कि वह पुलिसकर्मी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था, जबकि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी चीज को लेकर कल हापुड़ कचहरी के वकील और गाजियाबाद कचहरी के कुछ वकील आए थे और उन्होंने हापुड़ सीओ सिटी को ज्ञापन दिया था कि इस पूरे मामले में हापुड़ सिटी कोतवाल को सस्पेंड किया जाए और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन जब आज भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सैकड़ों की संख्या में हापुड़ कचहरी के वकील और गाजियाबाद से आए वकीलों ने तहसील चौराहे को जाम कर दिया। जाम लगने की सूचना पर हापुड़ सीओ सिटी अशोक सिसोदिया पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां वकीलों से जाम खोलने की बात कहने लगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक धक्का मुक्की हुई। इसके बाद उत्तेजित वकीलों ने हापुड़ सिटी कोतवाली का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कोतवाली में प्रदर्शन कर रहे वकीलों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच भी धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक होती है। इसके बाद बताया जाता है कि कुछ पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच काफी संघर्ष हुआ है, जिसके बाद कुछ वकीलों ने कुछ पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी, जिसमें घायल हुए पुलिसकर्मियों को घायल होता देख अन्य पुलिसकर्मियों ने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया है कि लाठीचार्ज के बाद कुछ वकीलों को भी चोट आई है। वहीं इस संघर्ष के बीच में कुछ पुलिसकर्मी और कुछ वकील घायल हुए हैं, जो इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा हापुड़ का पूरा दिन वकीलों के द्वारा प्रदर्शन और पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष में गुजरा है। अब देखने वाली बात होगी कि आला अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से। यूपी के हरदोई में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। किशोरी के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। आपको बता दें पूरा मामला बेनीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पे किशोरी घर पे लेटी हुई थी। उसके माता पिता खेत में काम करने गए थे और वहीं किशोरी युवक पड़ोस का युवक घर में घुस गया और किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर और उसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जब उसके माता पिता वापस आए
उसके बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची है, किशोरी का मेडिकल भी कराया जा रहा है और युवक की तलाश की जा रही है। देखना ये होगा कि बेनीगंज पुलिस कितनी जल्दी इस युवक को गिरफ्तार कर पाएगी। हरदोई से आनंद इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।